Good morning students, today we are going to learn number 4 caps lock key. The caps lock key is used to type in capital letters. Caps lock key ka kya use hota hai? Capital letters likhne ke liye. Means ki hum jo ABCD likhte hai, first capital letter ABCD ho. Press the caps lock key, you will see a yellow light on the top right hand corner of the keyboard. जब आप कैप्स लॉक की प्रेस करोगे तो आपको येलो लाइट दिखेगी कहाँ पे, राइट कॉर्नर में जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर एक लाइट होती है, वो ऑन हो जाएगी. व्हेन दिस लाइट इज ऑन, जब वो लाइट ऑन होगी, इट शो दैट यू आर यूजिंग द कैप्स लॉक की टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स. मीन्स जब वो लाइट ऑन है इसका मतलब है कि आप कैप्स लॉक की का यूज कर रहे हो कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए. If you again press the caps lock key, the yellow light will go off. Caps lock key को हम फिर से प्रेस करेंगे तो वो लाइट जो है येलो वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी. Now whatever you type will appear in small letter on the screen. और फिर जो हम लिखेंगे वो कौन सी एबीसीडी में आएंगी, स्मॉल लेटर्स में. प्रेस द कैप्स लॉक की एंड टाइप चेक एंड जी. कैप्स लॉक की ऑन करनी है और हमें स्क्रीन पे क्या लिखना है, चेक एंजिल. कैंसर एबीसीडी में आएगा वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, ठीक है. ऑल लेटर्स आर कैपिटल लेटर्स. नंबर 5 शिफ्ट. द शिफ्ट की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स. नंबर 1 प्रेस द एंटर की 2 टाइम्स टू लीव 2 लाइंस आफ्टर चेक एंड जिल. नंबर 2 प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट प्रेस I. यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर 2 शिफ्ट की है. 1 इज दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट की, एंड 2 इज राइट हैंड साइड शिफ्ट की. 2 शिफ्ट कीज आर ऑन कीबोर्ड. ओके, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया है एंटर 2 टाइम्स टू लीव 2 लाइन्स आफ्टर जैक एंड जिल. सो हम एंटर की को 2 बार प्रेस करेंगे, 1 एंड 2. 2 टाइम्स हमने प्रेस की. सो यहाँ पे जैक एंड जिल के बाद 2 लाइन्स लीव हो गई. ओके, नाउ प्रेस शिफ्ट की एंड उसके साथ में किसका कौन सा बटन दबाना है, आई. जो आई है उसके ऊपर हम टाइप करेंगे. नाउ प्रेस शिफ्ट की एंड उसके साथ में ही आई को हम प्रेस करेंगे. नाउ रिलीज द शिफ्ट की एंड टाइप एन डी आई ए. यू विल सी द वर्ड इंडिया ऑन द स्क्रीन. हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इंडिया वर्ड इज टाइप ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर हमें इंडिया वर्ड देखने को मिलता है. द शिफ्ट की इज ऑल्सो यूज टू टाइप द ऑप्शन गिवन एट द टॉप ऑफ ए पर्टिकुलर की. इफ यू ऑब्जर्व द कीबोर्ड केयरफुली यू विल सी दैट ऑल द नंबर कीज and some other keys have 2 options on them. Shift की का use जो keyboard के ऊपर particular keys है उसके ऊपर जो दूसरा option है वो भी type करने के लिए use होता है. यहाँ पे keyboard के ऊपर आप लोग देख सकते हैं number keys है, 1, 2, 9 and 0. उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो दूसरे पर्टिकुलर ऑप्शंस दिए हुए हैं और अदर कीज भी है यहाँ पे, ब्रैकेट्स, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, जैसी भी कीज है उसको हमें टाइप करने के लिए भी शिफ्ट की का यूज करना होता है. शिफ्ट की के साथ हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारा ऊपर का जो ऑप्शन दिया है ऊपर वाला वो टाइप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल
शिफ्ट के साथ में मैं ये क्वेश्चन वाली की प्रेस करूंगी. नंबर वन, प्रेस द एंटर की ट्वाइस एंड टाइप हाउ आर यू. नाउ यू हैव टू पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. नंबर टू, लुक एट द कीबोर्ड केयरफुली. ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड देर इज ए की विथ ए क्वेश्चन मार्क ऑन द टॉप एंड हाइफन बिलो इट. नंबर थ्री, प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट प्रेस क्वेश्चन मार्क एंड हाइफन की. यू विल सी क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ हाउ आर यू. नाउ प्रेस एंटर की ट्वाइस, वन एंड टू. टू टाइम हमने एंटर की प्रेस की. नाउ वी विल टाइप हाउ आर यू. हाउ आर यू. ओके, हमने यहाँ पे हाउ आर यू टाइप किया है. अभी एक क्वेश्चन है तो उसके पीछे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है ना. तो सी ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर लास्ट टू सेकेंड लाइन में यहाँ पे वन की है, उसके ऊपर है वन क्वेश्चन मार्क है एंड सेकेंड लास्ट नीचे उसके नीचे हाइफन का साइन है. टॉप में क्वेश्चन मार्क है और बॉटम में क्या है, बिलो हाइफन मार्क है. हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए. सो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की रिप्रेस करेंगे और उसको रिलीज किए बिना शिफ्ट की प्रेस करके उसके साथ में ही हम ये हाइफन और क्वेश्चन वाली की को प्रेस करेंगे. शिफ्ट प्रेस करके क्वेश्चन वाली की को प्रेस करेंगे. सो हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया, देखा. ओके, हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है. लुक एट द कीबोर्ड केयरफुली. द नंबर कीज आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9. व्हेन यू प्रेस ए नंबर की दैट नंबर विल अपियर ऑन द स्क्रीन. इफ यू प्रेस द शिफ्ट की प्लस ए नंबर की द साइन गिवन एट द टॉप ऑफ दैट नंबर की विल अपियर ऑन द स्क्रीन. कीबोर्ड के ऊपर 0 to 9 नंबर कीज दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 नंबर कीज दी है. उसके ऊपर भी हमें साइन देखने को मिलता है, एट द रेट, हाइफन, परसेंटेज, डॉलर एंड स्टार, ब्रैकेट्स के ऐसे साइंस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. शिफ्ट की के साथ में हम ये नंबर की को प्रेस करेंगे तभी हमें ये साइन हमारे स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा. फर्स्ट वी विल टाइप ए नंबर, नंबर की को हम प्रेस करेंगे. ओके, नंबर हमने टाइप कर दिया, यू कैन सी हियर नंबर टाइप किया. ओके, नाउ उसी नंबर के ऊपर एक परसेंटेज का साइन है, उसको हमें टाइप करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट की है, शिफ्ट की को प्रेस करके ये नंबर वाली की हम उसके ऊपर उसको प्रेस करेंगे. सो जो परसेंटेज का साइन है वो हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा. यस, ओके, यू कैन सी हियर. ओके, नंबर वन, प्रेस द एंटर की ट्वाइस एंड देन प्रेस 5. द नंबर 5 विल अपियर ऑन द स्क्रीन. जो अभी मैंने बताया कंप्यूटर के ऊपर आपको कि हमने नंबर 5 प्रेस करके 5 नंबर स्क्रीन के ऊपर देखा. नंबर 2, प्रेस शिफ्ट प्लस 5. द परसेंटेज साइन गिवन एट द टॉप ऑफ द नंबर 5 की विल अपियर ऑन द स्क्रीन. वो भी मैंने अभी आपको दिखाया कि शिफ्ट के साथ हमने 5 का बटन प्रेस किया, 5 का बटन प्रेस किया तो उसके ऊपर जो परसेंटेज का साइन था वो भी हमने हमारे स्क्रीन के ऊपर
देखा है, जब भी हमने शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस किया तो जो परसेंटेज का साइन था वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिला। नंबर 3, प्रेस द एंटर की ट्वाइस एंड देन टाइप हेलो। नंबर 4, प्रेस शिफ्ट प्लस 1 द एक्सक्लेमिनेशन मार्क गिवन एट द टॉप ऑफ द नंबर 1 की विल अपियर ऑन द स्क्रीन। ओके, कीबोर्ड से हम एंटर की को 2 बार प्रेस करेंगे, 1 एंड 2। सो हमारा कर्सर कहाँ पे चला गया, 2 लाइन नेक्स्ट लाइन में। ओके, अभी आप यहाँ से कीबोर्ड का यूज करके हेलो टाइप करेंगे, HELLO। हेलो हमने टाइप किया, ओके। नाउ उसके बाद में हमें क्या करना है, शिफ्ट की के साथ नंबर 1 की कीज प्रेस करनी है। यू कैन सी हियर शिफ्ट और उसके साथ में हमें नंबर 1 प्रेस करना है। हमने प्रेस कर दिया, सो हमारे हेलो के पीछे क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। ओके,